माई न्यू व्लॉग। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा ऐसे ही मूड फ्रेशनिंग के लिए, और फिर मतलब हम सब कार में जा रहे हैं भाई बहन घूमने के लिए। सो सबसे पहले तो जो भी मेरे चैनल पे हो नए, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। उसके बाद मुझे जाना है क्लीन अप कराने के लिए, उसके बाद का प्लान आपको दिखते जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। क्लीन अप चल रहा है मेरा, बहुत टाइम हो गया और स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो गई थी मेरी, इसलिए मैं क्लीन अप कराने के लिए आई हूँ। क्लीन अप के बाद हमारा का जो नया का नया फ़ोन है, जो कि अच्छी तरीके से पता नहीं क्या हुआ है इसमें, ये लेके बैठे हुए यहाँ पे इसके सर्विस सेंटर में, ये रिमाया और ये लोग पता नहीं और कितना टाइम लगाएंगे। फॉर्म दिया है इनने, नंबर के हिसाब से वो लोग बुलाएँगे हमको, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा हमारा। वहाँ से आने के बाद ये सब कराने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ आ गई। अब यहाँ देखते वो क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, फ़ोन आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब बस एक ही जगह पर रुक गया है। तो नया का नया अंडर वारंटी तो दिखाना तो पड़ेगा, तब बकवास निकला रियलमी का प्रोडक्ट। सो मैं तो आपको ये बोलूँगी, आप रियलमी के प्रोडक्ट्स लो ही मत, सबसे बेकार चीज़ है। मेरे घर में दो फ़ोन है, दोनों ही मतलब उनकी बकवास निकले, अभी एक एक साल भी नहीं हुआ, दो दो महीने हुए। लेट्स सी हमारा नंबर कब आता है। मैकडोनल्ड्स में आ गए, बहुत भूख लग रही थी तो सोचा कुछ खा लेते हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका हाल ऐसा हो रहा है। हम खुशी गई ऑर्डर लेने के लिए, नहीं अभी नहीं आया, हमारा ऑर्डर नंबर है 119। भूख लग रही तो मैकडोनल्ड्स में खाने के लिए बैठ गए, किस्मत अच्छी नहीं चल रही, नया का नया फ़ोन और ऐसा कर रहा है। देखो माया की शक्ल, मतलब माया स्नैप लेके डालती, अफसोस। हाय पागल, ये देखो इसकी फ्रेंच फ्राइज इतनी सी बची है, पर ये पागल इतना टाइम लगा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो अंकल जो हैं ये बैठे हुए, ये साउथ के गुंडे जैसे दिख रहे हैं, कि अगर इनको ऐसा कुछ कर दिया तो शायद ये हमें मार भी डाल सकते हैं। वैसे ही वो कड़क आप देख सकते हैं कि ये कितने प्यार से खा रही है इतनी सी फ्रेंच फ्राइज को, वो एक घंटा लगा चुकी है अभी तक में। ठीक है, शी इज़ सो मच बिजी पर्सन। ये घर निकल रहे हैं और हमारा दिमाग तो अभी भी थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं पूरा ही ख़राब है, क्योंकि फ़ोन अभी नहीं आया ही है ना, और बस जल्दी से ठीक हो के आ जाए यही उम्मीद है। इतना सुंदर लग रहा था मेरा फ़ोन जब वो कवर के बिना रखा हुआ था, हमने वही देख के उसका मॉडल देख के पसंद किया था। गाड़ी का वो अपनी गाड़ी नहीं है, उस पर कवर थोड़ा ना चढ़ा है, अपनी गाड़ी उठा के तो नहीं लेगा कोई, ये वाली ना हमारी गाड़ी हमारे सामने खड़ी, बट हमको नहीं पता। सो हम घर जाके मिलते हैं आपसे डायरेक्ट। गाइस तो अभी हो रही है रात, हमें तो पता ही नहीं था ये आसमान रात हो रही है, और अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब जो पूजा होती है ना, जिसमें ठंडा बासा खाना खाते हैं, उसका सामान लेने के लिए। सो अभी हम जाते हैं, पान और नारियल ले लेते हैं, तब तक आप स्टे ट्यून्ड रहें। तो यहाँ हम लोग खरीदने आए हैं क्या, वो कुछ कल जो भी है उसका सामान लेना है, नारियल लेने आए हैं और पान के पत्ते लेने आए हैं। देखा हम कितना बड़ा सामान लेने आते हैं, देखिए मतलब लोग बड़ी बड़ी चीज़ें कार खरीदते हैं, हम लोग नारियल खरीदते हैं और पान के पत्ते खरीदते हैं। वी आर ग्रेट ना। आप क्या खरीदते हैं, कार या हमारे जैसे? वो देखो नारियल लेने लगी हैं वो। यहाँ पे सनू गारमेंट्स पे मेरी जीन्स जो है ऑर्गेनिक से लाए हम लोग, उस पर हमको लगवानी है फिटिंग, तो हम यहाँ पे फिटिंग लगवाना है क्योंकि वो बड़ी आ गई है, पर द मटेरियल क्वालिटी वॉज टू गुड। यहाँ पे हम फिटिंग लगाएंगे ऑर्गेनिक की, ये मेरी बहन ये बच गई।
ऐसे करे कुछ मार दो गाइजर बैनी गाइजर बैनी मैं बहुत अमीर हूँ खुशी अभी ले रही है कपड़े दीदी ले लिया वाइट में कौन सा लिया ये वाला इट्स लुकिंग प्रीटी इसमें कितना निकालना है चले ढाई और एक ब्लैक मुझे ये भी पसंद आया न्यू नीड्स इधर से हमने ब्लैक लिया है वो कॉटन बेस्ड पूछ ले भैया से इसका भैया जो ब्लैक लिया है कॉटन बेस्ड ही है ना कपड़ा पूछ ले सेफ्टी उसी में पूछने को कोई दिक्कत थोड़ी ना है ये कंफ्यूज खुशी हमारी खुद ही देखती है खुद ही पूछ भी लेती है तो अभी हम इसके अंदर कुछ कपड़े देख रहे हैं कुछ अच्छा निकल जाए तो प्यारा सा कुछ 13 निकल जाए हाँ पहले भी ले जा चुके हैं बट आई डोंट थिंक सो ये नहीं रुक जा नीचे से निकालती हूँ जॉर्जेट तो बहुत बड़ा है लेकिन ये काफ़ी बड़ा है पता नहीं मच्छर मच्छर क्यों आ रहे थे इतनी भीड़ है उधर भी बैठे हुए सब कहाँ है ये हम इंदौर के कई रास्ते पे एक रोड पे बैठे पागल मुझे नाम याद नहीं आ रहा लेकिन वो आंटी के पराठे बहुत फेमस है तो हम लोग भी वहीं खाने आए भूख बहुत लग रही थी तो सोचा एक दो पराठे खा के फिर घर जाए वरना मम्मी को ऐसे बोल के आएंगे तो मम्मी तो मना ही कर देगी इसलिए थोड़ा सा खा लेते हैं फिर घर चलते हैं हमने आलू के पराठे ऑर्डर किए पर आंटी के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है बताती हूँ आपको हम घर आ चुके हैं और ये है क्या था ये दही बड़े के बड़े तो अभी ये तला के निकल मतलब तल के निकल कितने सुंदर लग रहे ना ये यहाँ हो रही है कड़ी ये गाड़ी गाड़ी कड़ी गाड़ी तो नहीं अभी गाड़ी हो जाएगी नाथ गंदे कर लिए है और इसका बैटर ये रहा ये बड़े वो निकल रहे हैं और ये रही पूरियाँ जैसे कि आप देख सकते हैं अभी फ्लैट हो गई हैं और यहाँ सुबह पहले जब पूजा जाओगी तब तक तो पूरी ठंडी हो जाएंगी तो ये रही माता जी नहीं सॉरी माता जी ये है भजिए चरके वाले ये मीठे वाले भजिए भोग के लिए और क्या है ये है मीठी ही ये ऐसी काली काली क्यों हो गई इस बार गुड़ के चावल है भगवान को जो भोग लगते हैं ना वो दिस इज मक्का की राबड़ी भैया वो खुद को आज पता पड़ा इतनी गाड़ी हो चुकी है वो कोई बात नहीं देख लिया है यहाँ पे बहुत सारा सामान बना है बट मेरे घर पे तो बहुत कम बना है हमारी नानी के यहाँ पे तो बहुत सारा बना है हाँ नमक पारे गोंजे और ये सब भी बने हैं दिखाती हूँ आपको ये रही चीज ये देखिए गोंजे बने हैं गोंजे शक्कर पारे भी बनाए इस बार बनाए हर साल नहीं बनाते ना हर साल नहीं बनाते बोल दिया आप तो मतलब हर बार ये नहीं बनाते बाकी सब कुछ बनता है ये इस साल ये स्पेशल बनाया ये नमक पारे भी बने हैं सारे जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें मेरे घर पे बनी है और ये सब अभी नहीं खा सकते ये सब हम कल खाएंगे क्योंकि जैसा कि ठंडा पासा होता है और ये माता जी की भी एक तो समझ लो कि अब सब कुछ बन गया है अब बस सबसे मेन चीज़ बची वो बनाना है सब्जी बची है सब्जी डिसाइड करते हैं क्या बनाना है क्योंकि हमारे को ज़्यादा नाटक होते हैं तो अब डायरेक्ट हम आपसे बात करेंगे।